हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर वन पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो कि आपके आगे आने वाले जेए आईटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अगर आप भी दोस्तों क्लर्क या फिर पोस्ट 903 जेए आईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि डेली क्लास होती रात को 8:30 बजे। दोस्तों, आज तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास है जेए आईटी वालों के लिए, लेकिन जो कल क्लास होगी वे क्लर्क वालों के लिए भी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप क्लर्क 918 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा। एक बार एक प्लेलिस्ट बनी होगी HPSSC क्लर्क की, तो दोस्तों उस प्लेलिस्ट में 64 क्लासेस अवेलेबल है। तो जो भी क्लर्क वाले हैं, जितने भी क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर 64 क्लासों को वो देख के अपना एग्ज़ाम देने जाएगा, तो डेफिनेटली उसका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने उस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए फिर, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यूनिवैक बी और IBM 701 बी, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अबेकस, दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि अबेकस किस देश से विकसित हुआ, तो अबेकस जो है वो चाइना से विकसित हुआ है। ऑप्शन तब बी हमारा सही होगा, क्वेश्चन बन चुका है और 1602 ईस्वी में अबेकस का विकास हुआ था। दोस्तों, गणना करने के लिए सबसे पहला जो यंत्र उपयोग में लाया गया था वे अबेकस ही था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, विच कैन बी कंसाइडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो दोस्तों, कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो PDA, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट विच करेक्टरिस्टिक। दोस्तों, एक कंप्यूटर जो थकान रहित होता है किस लाक्षणिकता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डिलाइजेंस को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इन टू ए कंप्यूटर इज। तो एक कंप्यूटर में एक रेखा चित्र को समाहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निवेश युक्ति है, तो यह है स्कैनर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों, जो प्रिंटर है वह किसका एग्जाम्पल है? तो वह है एक आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट रैम, निम्न में से कौन सी रैम नहीं है? दोस्तों, डब्ल्यू रैम है, डी रैम भी है, एस रैम भी है। जिसमें दोस्तों रैम दिखाई दे रहा है वे रैम है, लेकिन जो रोम दिखाई दे रही है यहाँ पे पी रोम, ये रैम नहीं है, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रेट ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर। दोस्तों, आपको बाइनरी नंबर दिया है, इसको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप इसको ऑक्टल नंबर में बदलोगे, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा बैगा 143 ऑक्टल, ऑप्शन इसका जो वो बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू कम्प्लीमेंट ऑफ 1000 इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई। जो टाइम शेयरिंग है दोस्तों, इसको किसके द्वारा प्रस्तापित की गए? इसको मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन इसका सी यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का एक लाभ है दोस्तों, इसका लाभ हो जाएगा दोस्तों, एफिशिएंट भी, डिफिकल्ट टू लर्न भी, मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर भी, तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विनजिप सॉफ्टवेयर है वह किसका उदाहरण है? तो वह शेयरवेयर का, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे जो अब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक्स आर। यूनिक्स की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों जी यूनिक्स की विशेषताएं हैं वे मल्टी यूजर भी है, मल्टी टास्किंग भी है, मोर सेफ देन विंडोज भी है, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, डोस स्टैंड फॉर। तो दोस्तों, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज़ में यदि आप एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? दोस्तों कंट्रोल सी का हमें उपयोग करना पड़ेगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट? तो दोस्तों इसमें 11 PT कितनी, तो ऑप्शन इसका बी यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, इन ए वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट? दोस्तों द एंटायर वर्कशीट भी कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के अंत प्रतिच्छेदन का अक्षर और संख्या है? दोस्तों ये इसे कहते हैं सेल एड्रेस, तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेल पता। अगला क्वेश्चन है, टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस, एक्सेल में समरूप सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दबाए, तो वे क्या दबाए दोस्तों? तो वे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेंड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल में समाहित विशिष्ट दृश्य और ध्वनि प्रभाव निम्न में से कौन सा है? दोस्तों एनिमेशन है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो को आप किस प्रकार रोक सकते हैं? दोस्तों एस्केप दबाकर, जो एस्केप होता है ना एस्केप बटन कीबोर्ड में, तो उसको दबाकर हम रोक सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को। अगला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस में किसी संस्था के बारे में जानकारी जानी जाती है, इन डीबीएमएस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रिकॉर्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में कौन सी एक परीक्षा एक से अधिक सारणी या व्यू में से रो को पुनः प्राप्त करती है, यानी विच इज ए क्वेरी दैट रिट्रीव्यूज रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू इन डीबीएमएस? तो ये है दोस्तों ज्वाइन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिलेटेड फील्ड इन ए डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए, एक डेटाबेस में डैश बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को समूहित किया जाता है? दोस्तों एक डेटाबेस में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन इसका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस के किस मेन्यू में हम मैक्रो समादेश पा सकते हैं, इन विच मेन्यू ऑफ एमएस एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, इंसर्ट में भी नहीं, व्यूज में भी नहीं, फाइल में भी नहीं, तो ऑप्शन बचा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर युक्ति और एक कीबोर्ड के मध्य संचार में डैश संप्रेषण शामिल है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक कंप्यूटर युक्ति और एक कीबोर्ड के बीच में जो संचार है दोस्तों सिंप्लेक्स संप्रेषण शामिल है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास, दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों चलिए फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में मिलते हैं, या फिर मिलते हैं रात को 8:30 बजे कल डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।